यार अपने कान में ईयरफोन्स डाल लो। क्या डाल भी लिए? बहुत तेज हो रहा है, बहुत तेज हो रहा सालो। खराब शुरू करते हैं बिना किसी बकचोदी। हो आप लोग आए हो, बढ़िया होगे। न्यू वीडियो में आ चुके। तो गाइस स्टेटस कैसे क्रिएट करते हैं आज के वीडियो में बताएंगे। तुम लोग को एक एप्लीकेशन के दरकार होगी, तो उसका नाम भी लाइट मोशन। लाइट मोशन नहीं तो मेरा चैलेंज में लिंक दे रखा है, वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हैं, मेरा टेलीग्राम से भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पहले क्या करना है, तुम लोग को एक ऐप्स लगे उसका नाम है लाइट मोशन। तो क्या करना है, लाइट मोशन पहले ओपन करना पड़ेगा। ओपन करके बाद क्या करना पड़ेगा, नीचे देखो बीट मिलेगा, बीट मार्क में क्लिक करना है। क्लिक करके बाद क्या करना पड़ेगा, क्लिक करो। क्लिक करके बाद देखो बीट मार्क इफेक्ट, तो मेरा डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, चलो इनपुट कर लेना। ठीक है ना भाई, जब इनपुट कर लेना, इनपुट करके बाद बीट मार्क में क्लिक करना है। क्लिक करके लास्ट तक फोटो ऐड करना है। फोटो कैसे ऐड करना है तुम लोग को हम बता देते हैं। तो फोटो ऐड करने के लिए कैसे करता हूँ दिखा देता हूँ। तो पहले क्या करना, नीचे देखो प्लस मिल रहा है, प्लस में क्लिक कर लेना। यहाँ पर फोटो मिल रहा है, फोटो में क्लिक कर लेना है। फोटो में क्लिक करके ऊपर थ्री डॉट में क्लिक करके फुल कैंपिसन एरिया कर लेना, तिरछे क्लिक करके काट लेना है, सिंपली आगे कर लेना है। सिंपली प्लस में क्लिक करके फोटो ऐड करना है। फोटो क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके फुल कैंपिसन कर लेना है, तिरछे करके बड़ा कर लेना है। तो ऐसे कर करके लास्ट तक फोटो ऐड करना है। तो ऐसे दिखा देता हूँ तुम लोग को, ठीक है ना। तो प्लस में क्लिक करके फोटो में क्लिक करके, फोटो क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके फुल कैंपिसन करके तिरछे क्लिक करके सेव करके काट लेना है। नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके फोटो में क्लिक कर लेना है। फोटो में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके फुल कैंपिसन कर लेना है। सिंपली बैक कर लेना है। बैक करके फोटो में हमने ऐसे कर करके लास्ट तक फोटो ऐड करना है, ठीक है। तो वीडियो फास्ट करता हूँ, ठीक है ना, तुम लोग को अच्छा लगेगा, ठीक है ना। तो फास्ट कर लेता हूँ वीडियो, तुम भी फास्ट कर लो। गाइस लास्ट तक फोटो ऐड करके हो गया मेरा, तो क्या करना है, इफेक्ट ऐड करना है, ठीक है ना गाइस। फोटो ऐड करके हो गया, सिंपली क्या करना है, बैक कर लेना है। बैक करके बाद इफेक्ट में क्लिक करना है, तो चार इफेक्ट मिलेगा तुम लोग को, ठीक है ना, चार इफेक्ट मिलेगा। तो चार इफेक्ट कहाँ पर ऐड करना है तुम लोग को बता दूँ। तो फास्ट इफेक्ट मिल रहा है, तो फास्ट इफेक्ट में क्लिक करना है। नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लेना है। सिंपली क्या करना है, बैक कर लेना है। बैक करके जिस पजल में तुम बना रहे थे जिस पजल में क्लिक करना है। क्लिक करके बाद तुम लोग को बता देता हूँ क्या करना है। क्लिक करके प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। क्लिक करके बाद सिंपली आगे जाना है। आगे जाके बाद तुम लोग को बता देता हूँ कहाँ पर इफेक्ट ऐड करना है, एक नंबर इफेक्ट, ठीक है ना। सिंपली आगे जाना है। आगे जाके बाद देखो यहाँ पर 9.3 में जाना है। यहाँ पर देखो बड़ा फोटो मिल रहा है, तो बड़ा फोटो में क्लिक करना है। नीचे इफेक्ट में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सिंपली क्या करना है, आगे जाना है। आगे जाके बाद छोटा छोटा फोटो छोड़ देना है। छोड़ देने के बाद यहाँ पर बड़ा फोटो मिल रहा है, बड़ा फोटो में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सिंपली क्या करना है, छोटा फोटो छोड़ देना है। छोड़ने के बाद यहाँ पर देखो बड़ा फोटो मिल रहा है, बड़ा फोटो में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सिंपली क्या करना है, जितना बड़ा बड़ा फोटो मिल रहा है सब पेस्ट इफेक्ट कर लेना है लास्ट तक, ठीक है ना। फास्ट दो फोटो छोड़ के लास्ट तक जितना पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सिंपली हम भी पेस्ट कर लेता हूँ, तुम भी तो पेस्ट कर लेना, ठीक है ना भाई। सिंपली लास्ट तक पेस्ट इफेक्ट कर लेता है। वीडियो फास्ट कर देता हूँ, तुम्हारे टाइम नहीं बेचो, मेरा टाइम भी नहीं बेचना होगा, तो फास्ट कर देता हूँ। गाइस हमारा लास्ट तक एक नंबर इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। सिंपल क्या करना है, बैक कर लेना है। बैक करके बाद इफेक्ट में क्लिक करना है। इफेक्ट में क्लिक करके सिंपल एक नंबर हमारा इफेक्ट हो गया है। दो नंबर इफेक्ट कंप्लीट कर देना, दो नंबर इफेक्ट में क्लिक करना है। नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी इफेक्ट कर लेना है। सिंपली क्या करना है, बैक कर लेना है। बैक करना है जिस पोजिट में तुम बना रहे थे जिस पोजिट में क्लिक करना है। क्लिक करके बाद फास्ट में दो फोटो मिलेगा, दो फोटो में इफेक्ट ऐड करना है। इफेक्ट ऐड करने के लिए फास्ट फोटो में क्या करना है, फास्ट फोटो में क्लिक कर लेना है। नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्ट इफेक्ट कर लेना है। सिंपली क्या करना है, बैक कर लेना है। बैक करके बाद सिंपली आगे जाना है, आगे फोटो में इफेक्ट ऐड कर लेना है। सिंपली दो फोटो में इफेक्ट ऐड लगेगा, ठीक है ना। दो नंबर इफेक्ट कंप्लीट हो गया है। सिंपली क्या करना है, बैक कर लेना है। बैक करके बाद इफेक्ट में क्लिक कर लेना है। इफेक्ट में क्लिक करके बाद देखो एक नंबर दो नंबर हमारा इफेक्ट हो गया है। सिंपली क्या करना है, दो नंबर तीन नंबर इफेक्ट कंप्लीट करने के लिए फोटो में क्लिक करना है। नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी पेस्ट कर लेना है। सिंपली क्या करना है, बैक कर लेना है। जिस प्रोजेक्ट में बना रहे थे जिस प्रोजेक्ट में क्लिक करना है। क्लिक करके बाद सिंपली क्या करना है, सिंपली आगे जाना है। आगे जाके दो फोटो फास्ट में छोड़ के एट पॉइंट में जाना है, नाइन पॉइंट में जाना है,
हेडफोन चार फोटो मिल रहा है, चार फोटो में इफेड ऐड करना है। इफेड कैसे ऐड करना है तुम लोग को बता देता हूँ। ये फोटो में क्लिक कर रहे थ्री डॉट में, सॉरी इफेड में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। सिंपली नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, इन इफेड में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। सिंपली नेक्स्ट फोटो में क्लिक कर लेना है, इफेड में करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। सिंपली नीचे आगे फोटो में क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। क्या करना है देखो, तुम्हारा इफेक्ट ऐड करके हो गया है। सिंपली बड़ा फोटो छोड़ देना है, ये चार फोटो मिल रहा है आगे, ये छोटा मोटा फोटो में सब पेस्टिवेट कर लेना है। कैसे ऐड कर सकते हैं, फोटो में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। सिंपली छोटा फोटो में क्लिक कर लेना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। नीचे फोटो में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है, बड़ा फोटो छोड़ देना है। छोड़ने के बाद देखो यहाँ पर देखो छोटा छोटा मिल रहा है चार फोटो, ये चार फोटो में इफेक्ट ऐड करना है। तो फोटो में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। ये नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। सिंपली नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। नीचे इफेक्ट में फोटो में क्लिक करना, सॉरी फोटो में क्लिक करना है, नीचे देखो इफेड में रहा है, इफेड में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है, बड़ा बड़ा छोड़ देना है। तो देखो तुम लोग को कहाँ पर कहाँ जीरो जीरो थे के नाइन पॉइंट थे के कितना दूर इफेक्ट ऐड करना है तुम लोग को बता देता हूँ। तो गाइस हम यहाँ से यहाँ पर तुमको बता देता हूँ, 60 में जाना है, 60 में जाना, 66 जाना है। यहाँ पर यहाँ से छोड़ के यहाँ 150 इफेक्ट लगा लेना है चार चार फोटो में, ठीक है ना। तो वीडियो फास्ट कहता है तब तुमको बता देता, ठीक है ना। तो लास्ट इफेक्ट ऐड कर लेना। तो गाइस हमारा फोटो ऐड करके हो गया है। सिंपली क्या करना है, सिंपली आगे जाना है। आगे जाके बाद तुम लोग को टाइम लाइन बता रहे हैं, 19 पॉइंट में जाना है। 19 पॉइंट के जाएगा जाके बाद सिंपली देखो छोटा छोटा फोटो मिल रहा है लास्ट तक, एकदम लास्ट तक छोटा छोटा फोटो मिल रहा है, इसको सब लास्ट तक एकदम इफेक्ट ऐड कर लेना है, ठीक है ना। छोटा छोटा फोटो में जितने मिल रहे सब पेस्टिवेट कर लेना है। सिंपली कहाँ पर छोड़ के तुम लोग को बता देता हूँ, यहाँ पर 18 पॉइंट में जाना है, 18 पॉइंट से यहाँ तक नहीं ऐड करना है, ठीक है ना, तुम लोग को बता देता हूँ। तो लास्ट तक यहाँ से छोड़ के यहाँ तक पेस्टिवेट कर लेना है। सिंपली क्या करना है, पेस्टिवेट कर लेना है। तो लास्ट तक वीडियो फास्ट कर देता हूँ, तुम भी फास्ट ऐड कर लो ना, ठीक है ना भाई, तुम बता दे। लास्ट तक हमारा 3 नंबर इफेक्ट हो गया है। सिंपली क्या करना है, बैक कर लेना है। बैक के बाद सिंपली इफेड में क्लिक करना है, इफेड में क्लिक करके सिंपली आगे जाना है। आगे जाके बाद देखो यहाँ पर चार नंबर फोटो मिलेगा, चार नंबर फोटो में क्लिक करना है। नीचे इफेड में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके कॉपी इफेड कर लेना है। सिंपली क्या करना है, प्रोजेक्ट में क्लिक करना है, प्रोजेक्ट में क्लिक करके सिंपली आगे जाना है। आगे जाके बाद जहाँ पर तुम फोटो छोड़ दिया थे छोटा छोटा फोटो, वहाँ पर ज़्यादा फोटो था छोटा छोटा, तो छोटा फोटो में क्या करना है, यहाँ पर देखो टाइमलाइन तुमको बता देता हूँ। तो गाइस 66 में जाना है, यहाँ पर छोटा छोटा फोटो मिल रहा है, ज़्यादा छोटा छोटा मिल रहा है। यहाँ पर देखो छोटा 66 में जाना है, 66 में जाना है, यहाँ पर छोटा छोटा जितना मिल रहा है यहाँ पर देखा देखता हूँ कहाँ तक। 80 20 में जाना है, यहाँ पर देखो छोटा छोटा फोटो मिल रहा है, सब पेस्टिवेट कर लेना है। तो वीडियो फास्ट कर देता हूँ, यहाँ फोटो में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। सिंपली क्या करना, बैक कर लेना है, नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। छोटा फोटो में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। सिंपली नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, नीचे इफेक्ट में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। सिंपली नेक्स्ट फोटो में क्लिक करना है, सॉरी नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके नीचे इफेक्ट में क्लिक करना है, थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। नेक्स्ट फोटो में क्लिक करके थ्री डॉट में क्लिक करके पेस्टिवेट कर लेना है। तो गाइस फास्ट कर देता हूँ वीडियो को, तुम भी फोटो ऐड कर लो, इफेक्ट ऐड कर। गाइस हमारा लास्ट फोटो ऐड करके हो गया है। सिंपली क्या करना है, ऊपर ऑप्शन में क्लिक करना है, ठीक है ना, ये ऑप्शन में क्लिक करना है, क्लिक करके यहाँ पर सेव कर लेना है, तुम्हारा स्टेटस हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, ठीक है, तुम्हारा स्टेटस हो जाएगा। जय हिंद जय भारत, लाभ भी भाग, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ठीक है ना भाई। जय हिंद जय भारत।